शिक्षण संस्थान हमारे झारखंड में नहीं है। यहाँ के टीचर्स की ट्रेनिंग कराई जा रही है IIM रांची से, नियुक्तियों की बार आ रही है ताकि हमारा झारखंड पिछड़ा हुआ न रहे। यहाँ प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर बच्चों का जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत कमजोर है। अभी रशिया और यूक्रेन के वॉर में आपने देखा होगा कि मेडिकल की पढ़ाई अधूरी छोड़कर वहां से कितने बच्चे वापस आए। हेमंत सोरेन जी और गठबंधन के तमाम हमारे वरिष्ठ नेतागणों के सपने पूरे हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है झारखंड को पूरे देश में अमर राज्य बनाने का, सर्वश्रेष्ठ राज्य बनने का, उसी की एक कड़ी है आज। खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में एक एक मिसाल कायम कर रहे हैं। हमारा झारखंड, यहाँ के जो सरकारी स्कूल रहे हैं, क्योंकि वहाँ शिक्षा का स्तर पहले अच्छा नहीं था, इसलिए हमारे बच्चों को उच्च शिक्षा में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। वो प्राइवेट स्कूल के बच्चों के साथ कंपटीशन में नहीं जा पा रहे थे। कई बार तो इंटर और BA के स्तर पर भी एक आवेदन लिखने के लिए जब कहा जाता था उसमें भी अशुद्धियां पाई जाती थी। ऐसे में शिक्षा को सुधारने का जो बीड़ा उन्होंने उठाया है उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। आज 827 माध्यमिक शिक्षकों का नियुक्ति पत्र वितरण किया गया, जे गुरुजी ऐप का लॉन्च किया गया, इसके माध्यम से एक विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था से जुड़े के हमारे छात्र छात्राएं, उन्हें किताबों की कमी भी नहीं महसूस होगी। और आप सभी जानते हैं कि उच्च शिक्षण संस्थान हमारे झारखंड में नहीं है, इसकी वजह से, या हमारे देश में भी उस तरह से नहीं है, इसकी वजह से हमारे बच्चों को कई बार विदेशों में जाना पड़ता है। आपने देखा होगा कि इजराइल से एक बच्ची वापस आई है, वो PhD करने के लिए स्टेम सेल पर वो PhD कर रही थी, क्योंकि यहाँ सुविधा नहीं थी तो उसे विदेश जाना पड़ा और वहाँ किस तरह से बुरी तरह से फंस गई थी, फिर वापस आई बहुत मुश्किल से। कोविड के समय में भी यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं जो उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए, उन्हें भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अभी रशिया और यूक्रेन के वॉर में आपने देखा होगा कि मेडिकल की पढ़ाई अधूरी छोड़कर वहाँ से कितने बच्चे वापस आए। तो इस तरह से यहाँ उच्च शिक्षण संस्थानों का अभाव इसलिए है क्योंकि यहाँ प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर बच्चों का जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत कमजोर है, वो उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते, अच्छे संस्थानों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बीच में ही वो दूसरे रोजगार में चले जाते हैं। इसकी वजह से जो उच्च शिक्षण संस्थान है वो यहाँ खुलते भी नहीं है। अगर हमारे यहाँ बच्चों का स्तर ग्रास रूट लेवल पर स्ट्रांग हो जाए तो निश्चित रूप से वो आगे की पढ़ाई जारी रखेंगे, उस समय यहाँ उच्च शिक्षण संस्थान भी खुलेंगे और देश विदेश में जाकर पढ़ाई पूरी करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने झारखंड के होनहार बच्चों को, कई बच्चों और बच्चियों को उन्होंने विदेश में भेजा है उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई के लिए। उनका सपना है कि हमारे ही यहाँ ऐसे संस्थान खुले ताकि यहाँ पर हमारे बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में भी कमजोर न रहे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग की समस्या रही, बच्चों को दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए, मजदूरी के लिए किस तरह से पहले ले जाया जाता था और उनसे उनका तरह तरह से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक शोषण होता था, उसे दूर करने के लिए इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि खेलगांव में कितने जो खेल में समर्पित यहाँ के बच्चे और बच्चियाँ हैं उन्हें आर्थिक मदद दी गई, सम्मान जो आर्थिक रूप से सम्मानित किया गया ताकि वो इस क्षेत्र में भी अच्छा काम कर सके और प्रोत्साहित होकर देश विदेश में हमारे झारखंड का नाम रोशन कर सके। आपको पता होगा कि यहाँ पर एक माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। अभी 80 CM स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट में क्लास 1 से 12 तक 3 से 5 स्कूल्स अभी स्टार्ट हो चुके हैं, जहाँ CBSE पैटर्न में पढ़ाई हो रही है और विद वर्ल्ड क्लास अमेनिटीज, स्मार्ट क्लासेस हैं वहाँ, कंप्यूटर लैब है, लैंग्वेज लैब है, साइंस लैब है, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं, सारी सुविधाएं बच्चों को दी जा रही है
ताकि जो प्राइवेट स्कूल्स है और उच्च स्तर के स्कूल हैं उनके बच्चों के साथ हमारे बच्चे कंपटीशन में जा सके। यहाँ के टीचर्स की ट्रेनिंग कराई जा रही है IIM रांची से अजीत प्रेम जी यूनिवर्सिटी द्वारा दी जा रही है, और आगे भी बहुत सारी योजनाएं हैं दिसंबर जनवरी तक, जैसा कि हम लोगों को पता है और ये सरकार इस पर काम कर रही है। दिसंबर जनवरी तक यहाँ पर और भी नियुक्तियाँ होंगी, कुल मुझे लगता है 3000 नियुक्तियाँ होंगी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों की, झारखंडी युवा युवतियों की 600 नियुक्ति होगी लैब असिस्टेंट के रूप में, 350 झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट के लिए स्टाफ लिए जाएंगे, यहाँ पर 26000 प्राइमरी टीचर्स की बहाली होने वाली है, 800 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बालिका आवासीय विद्यालय बनेंगे, 480 आदर्श विद्यालय टीचर्स की बहाली होगी, 80 लाइब्रेरियन की नियुक्ति होगी। इस तरह से नियुक्तियों की बाढ़ आ रही है ताकि हमारा झारखंड पिछड़ा हुआ ना रहे। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जब हम प्राकृतिक रूप से इस देश में सबसे ज्यादा समृद्ध राज्य है, तो क्यों नहीं हम हर क्षेत्र में आगे बढ़े, हमारे बच्चे हर क्षेत्र में आगे बढ़े और हमारा राज्य इस देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य हो। मैं आज जिनको नियुक्ति पत्र मिल रहा है उन सभी हमारे शिक्षकगणों को मैं यही कहूंगी कि आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, आपको ये बीड़ा उठाना है, हमारे बच्चों को शिक्षा के स्तर में बहुत स्ट्रांग बनाना है ताकि वो देश के और दुनिया के तमाम बच्चों के साथ कंपटीशन में जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। हो चाहे कोई विशेष त्योहार या हो रोज के स्वास्थ्य की बात, सुधा के उत्पाद इतने शुद्ध इतने स्वादिष्ट, दिल चाहे इसे ही बार बार। सुधा डेयरी के दूध दही लस्सी और अन्य उत्पाद के लिए पधारे रांची के सुधा पार्लर। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।